मौका था सोनू के टीटू की स्वीटी यानी नुसरत भरूचा के बर्थडे का। बीती रात नुसरत ने अपने करीबी दोस्तों के साथ अपना 34th बर्थडे सेलिब्रेट किया। नुसरत के लिए इतना खास दिन हो और उनके पहले को स्टार यानी राजकुमार राव ना पहुंचे, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि राजकुमार राव और नुसरत ने एक साथ बॉलीवुड में एंट्री की थी। दोनों ने फिल्म लव सेक्स और धोखा के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था और तभी से दोनों दोस्त भी हैं। यहाँ इन दोनों की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही थी। आप भी सुनिए क्या कहा राजकुमार राव ने नुसरत से अपनी इस खास बॉन्डिंग के बारे में। सर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और नुसरत, तो मैंने अपने करियर की शुरुआत साथ में की थी LSD से, और अभी हमारी जो नेक्स्ट फिल्म वो भी साथ में है, तो आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को बढ़ते हुए देखा है बोथ एज एन एक्टर एंड एज 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 अ पर्सन। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ बर्थडे। ओके, राजकुमार सर, जैसे आपने कहा बहुत टाइम से जानते हैं आप, तो ऐसी क्वालिटी जो कोई नहीं जानता बहुत यूनिक बनाती हूँ मैम। वो जैसी पहले थी वैसी अभी भी है। पहले भी बहुत प्यारी थी, बहुत स्वीट थी, बहुत रियल थी, अभी भी एकदम वैसी है। ऑफ कोर्स एज एन एक्टर बहुत ग्रो हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस बन गई है, तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करने के साथ में। और जैसे कि आपने कहा ना, लंबे समय के बाद साथ काम करने वाले हैं, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद करें, वो अलग एक्साइटमेंट है। ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि पहली फिल्म जिससे आप शुरू करते हो बहुत ही स्पेशल एक एक कनेक्शन होता है, बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं। सो बस कॉपी पेस्ट। इसके बाद दोनों ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में भी बात की। और जब राजकुमार और नुसरत से उनकी फिल्म लव सेक्स और धोखा के सीक्वल के बारे में पूछा गया, तो सुनिए दोनों ने क्या कहा इस बारे में। सीक्वल के लिए भी काफी बातें चल रही थी, चर्चा हो रही थी। आई डोंट नो यार, आई हैव नो आईडिया। सेम यार, व्हाट, आई हैव नो आईडिया।